अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी दुनिया में बड़े सआदतों में से एक सआदत है, लेकिन वहाँ पे जाके इस तरीके का सलाम पेश करना, वहाँ पे जाके पैरेड करना और वहाँ पे जाके ज़मीन में ज़ोर से पैर मारना, तो मेरे भाइयों जहाँ पे अल्लाह सुबहानहु तआला अपने आवाज़ को बुलंद करने से मना फरमाता है और ये फरमाता है कि अगर आप यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अगर आवाज़ बुलंद करोगे तो अपना आमाल बर्बाद हो जाएंगे और आपको ख़बर तक नहीं होगी। तो मेरे भाइयों कोई ये बोल सकता है कि ये आयत तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के बारे में है। नहीं मेरे भाई, ये आयत जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह वो अपने हयात तैयबा में होते थे। लिहाजा आज भी कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आवाज़ ज़ोर से आवाज़ बुलंद करना जो है ये मना है। तो मेरे भाई वहाँ पे जाके ऐसे पैरेड करना और ज़मीन में पैर ज़ोर से मारना, जो पहले वाले फौजी भाई जिन्होंने पैरेड करके ज़मीन में मारा और उन्होंने एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं और कोई औरतें स्केट शूज़ के साथ में एक अलग तरीके का जाके सलाम पेश कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों ये सलाम पेश करने का तरीका ये इंस्टा में रील बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये तरीका जो है सुन्नत से साबित नहीं, ये तरीका हदीस में मौजूद नहीं है। तो मेरे भाइयों क्या है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में सलाम पेश करने का सही तरीका और वहाँ पे जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके बारे में क्या हुक्म है, वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखिर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मुफ्ती आजम सऊदीया ने जो कब्र रसूल की हाजिरी के ऊपर किताबचा लिखा है ना, उसमें उन्होंने सेम यही लिखा है कि आपने कब्र रसूल पे पढ़ना है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि रसूलल्लाह की कब्र मुबारक के पास आप आज भी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर। और उसमें जुमले उन्होंने लिखे हैं कि रसूलल्लाह अपनी वफात के बाद भी उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह अपनी मुबारक जिंदगी में, जिस तरह कुरान में है ना ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना और उनसे ऐसे गुफ्तगू नहीं करनी जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ करते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये सूरतुल हुजरात की ये जो आयात है ये कोट करके मुफ्ती आजम सऊदीया ने लिखा कि नबी इस्लाम की वफात के बाद कब्र रसूल पे भी आवाज का बुलंद करना गोया इस तरह है जैसा कि हुजूर की मुबारक जिंदगी में कोई आपके सामने अपनी आवाज को बुलंद करे, वो बर्बाद हो जाएगा। और ये बुखारी में हदीस मौजूद है कि ये आयत नाजिल कब हुई है, ये आयत कोई आम बंदों के लिए नाजिल नहीं हुई है,
اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام کے بارے میں، اور عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا۔ اللہ میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے، کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ صلوا علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ لیکن انہوں نے اس معاملے میں نہیں پڑھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسپیکٹ دینی ہے اس حوالے سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند نہ کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اتنی قابل احترام ہیں جتنی اپنی مبارک زندگی کے اندر، اور یہ باقاعدہ جو مفتی اعظم سعودیہ نے روضہ شریف کی حاضری کے اوپر جو کتاب لکھی ہے وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنا اس طرح ہی گستاخی ہے جس طرح کی اپنی ان کی مبارک زندگی کے اندر ان کے حضور آواز کو بلند کرنا گستاخی ہے، اور اسی وجہ سے روضہ شریف کے اوپر اب تو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور نئی کنسٹرکشن میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آیات لکھی تھیں سیم انہوں نے وہی آیات بڑی کر کے اوپر لگا دی ہیں، سینٹرل جو مین جالی ہے جس میں ایک بڑا سا آپ کو رنگ سا بنا ہوا نظر آئے گا اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کی سید میں نبی الاسلام کا چہرہ ہے انور ہے، اور پھر تھوڑا سا اس سے آگے سیدنا ابو بکر اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر، لیکن یہ سامنے سے ہے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں اس کا نقشہ بھی ویسے اب اندر سے انہوں نے نا اینیمیشن بنا کے جاری کر دیا ہے، ویسے تو اندر کوئی بھی نہیں جا سکا کئی سو سال سے، یہ جو اندر حکمران بھی جاتے ہیں نا قبر مبارک تک نہیں جاتے، اس کے باہر جو دیواریں بنی ہوئی ہیں نا ادھر تک ہی جاتے ہیں۔ تو اجرا عائشہ کے وہ جو دو کمرے تھے، ایک وہ کمرہ جس میں نبی الاسلام حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما علیہ السلام، اور ایک جو ساتھ ایڈجسٹنٹ چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل ایک چارپائی کی جگہ ہے اور تھوڑی سی جگہ بچتی جس میں حضرت عائشہ نے 47 ایئرس گزارے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد، وہ ریئل ٹائم انہوں نے ٹاپ ویو اس کا نا ایک اینیمیشن کی شکل میں رکھ دیا ہے، یہ آپ کو جو ویسے وہ گمد خضرہ نظر آتا ہے نا اور اس کے نیچے قبر مبارک کا جو نقشہ عوام میں مشہور کیا ہوا ہے، انہوں نے اونچی اونچی قبریں بنی ہیں اور گرین کلر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، وہ مولانا روم کی قبر ہے، چوڑ دس ہے کہ تو انہوں نے جس کو وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور مولانا روم کی قبر موجود ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ ایگزیکٹلی وہاں سے کسی نے، اور وہ یہاں پہ ایون سینریز بکتی ہیں نبی علیہ السلام کی قبر کا اندرونی منظر ایگزیکٹلی کیا ہے وہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے کہ اندر کس فارم میں، یعنی قبلہ شریف کی طرف سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو دفن کیا گیا، اور آپ کی بیک سائڈ پہ آلموسٹ آپ کے آپ سمجھ لیں سینے سے بھی تھوڑا نیچے اس سید میں حضرت ابوبکر کی قبر بنائی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر کے پیچھے ان کے آلموسٹ سینے کی سید میں حضرت عمر کی قبر بنائی گئی، یوں قبریں بنی ہیں یوں 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 سٹیپ ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک سٹیپ خالی ہے جہاں جو میں نے بتایا جامعہ ترمذی میں موجود ہے مشکات میں بھی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے، تو اس وقت یہ پھر دیوار گرانی پڑے گی ظاہر ہے تبھی اندر آپ پہنچ سکتے ہیں، بل ابھی تو قبریں اس طریقے سے ہیں، اور وہ روضہ شریف کا جو مین جالی جس پہ یہ تین رنگ بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے
वो आयत मुबारका लिख के लगाई भी है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौका सौतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान अपनी आवाज़ को बुलंद मत करो रसूलुल्लाह की आवाज़ से, और उनको ऐसे ना पुकारो जिस तरह आपस में तुम एक दूसरे को पुकारते हो, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और सही बुखारी में आता है कि ये आयत मुबारक हज़रत अबू बकर उमर के बारे में नाजिल हुई जब उन्होंने गलती से हुज़ूर की मौजूदगी में आपस में तल कलामी की, और रावी हदीस कहते हैं करीब है कि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन दो अफराद बर्बाद हो जाते हैं जब उन्होंने रसूलुल्लाह के हुज़ूर अपनी आवाज़ों को बुलंद किया। और फिर जो लेफ्ट साइड पे यानी बाबू सलाम वाली साइड के ऊपर जो जालियों का पोर्शन है उसके ऊपर उन्होंने वो आयत लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं रसूलुल्लाह के हुज़ूर यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है, उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। और ये आयत नाजिल हुई थी उसी बुखारी की हदीस में आता है कि जब आयात नाजिल हुई कि हुजूर की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना, यानी आपको मुखातिब करते हुए तो छोड़ दें, वो तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है, आपस में भी नहीं बोलना। तो उसके बाद सहाबा इकराम हुजूर से इतनी आहिस्ता आवाज में बात करते थे कि हजरत उमर जो जलाली तबीयत के थे उनकी ये हालत हो गई थी कि नबी इस्लाम कहते थे उमर ऊंचा बोलो मुझे समझ ही नहीं आ रही, वो इतना आहिस्ता बोलते थे। तो फिर अल्लाह ने वो आयात नाजिल की कि बेशक वो लोग जिन्होंने रसूलुल्लाह के हुजूर अपनी आवाजों को पस्त रखा हुआ है ना, ये तकवे की निशानी है, इनके लिए मगफरत है। और जो बाबुल बकी वाली साइड के ऊपर रोजा शरीफ के आगे से गुजर के वो जो तीसरी जाली है, ये तीन पोर्शन जालियों के बने में, उसके ऊपर वो आयत लिखी हुई है, मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिर जालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, खत्म नबूत वाली आयत उसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये तीन आयात हैं, इस तरह बाबू सलाम की तरफ से आप एंटर होते हैं और फिर रोजा शरीफ के सामने से हाजिरी दे के और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, वो भी चार किताबों के अंदर सही सनद के साथ है, अलमोता इमाम मालिक के अंदर है, सुन कुबरा अलबैहकी में, अलमुसन्नफ़ इब्ने बिशैबा में, फ़द्रुस्सलाति अला नबी में, कि अब्दुल्ला बिन उमर जब भी सफ़र पर जाते या वापस आते तो पहले मस्जिद नबी में दो नफिल पढ़ते और फिर कब्र रसूल पे आकर अर्ज़ करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर हज़रत अबू बकर की कब्र के सामने अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर, और एक रवायत में अस्सलामु अलैका या अबता, ऐ मेरे बाप आप पर सलाम। तो रोज़ा शरीफ की हाज़िरी गुम्मद खजरा पे डिस्कशन को कोई ये ना समझे कि हम कोई कब्र रसूल की हाज़िरी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। कब्र रसूल की हाज़िरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लैनेट अर्थ पे किसी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कोई सआदत हो सकती है तो उनमें से एक बड़ी सआदत है, वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के साथ जो कुछ इन लोगों ने किया वो तो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत है। अबू दाऊद में, इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम को सजदा किया, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कि मैं इराक में गया था, हीरा नामी शहर में मैंने देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, तो आप तो अल्लाह के रसूल हैं, हम आपको सजदा क्यों ना करें। तो आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे क्या मेरी कब्र पर भी सजदा करोगे, उनका नहीं यार सुल्ला। तो फरमाया मुझे क्यों सजदा कर रहे हो, अगर मैं सजदा जाए समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वो ताजीम करवाने से रोक दिया जिसमें शिर्क का शायबा हो सकता था। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने खुद गुस्ताखी अपनी की कि वो सजदा करने से रोक दिया, कहते नहीं इश्क दे चले नंबर, वो इश्क दे चले ही बांट के उन्हें सजदा किया था ना, तो नंबर देखो नहीं ले उन्हें, नबी अलैहिस्सलाम ने तो मना कर दिया। तो अपने जज्बात को इश्क का नाम ना दें, इश्क वो है जो अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम की बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगा, जहां पे नबी अलैहिस्सलाम की तालिबात से कोई चीज टकराएगी तो वो आप जितनी मर्जी उसको इश्क की दास्तान बना के पेश करें हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हम उस शख्स की बात माने जिसकी कब्र मदीने में है, या उस शख्स की बात माने कि जो पता नहीं है भी है कि नहीं और यहां दफना के आप लोगों ने उसके ऊपर मज़ारात बनाए हुए हैं, और उल्टा उन लोगों ने इज्जतें अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर वेल की हुई है और तालीमात उन्होंने अपनी बताई हैं आपको। तो हमारा तो जी ऐलान जंग है, ऐलान जिहाद है इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
का नाम यूज करके इन लोगों ने अपने बाबों की तालीमात आपको बताई हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी दुनिया नहीं बर्बाद कर रहे, दुनिया बर्बाद की आप सोच रहे होंगे दुनिया कैसे बर्बाद की है जी, आपसे चंदे खाए हैं, मौका मिलता है तो आपकी बच्चियां भी ये हथियार के ले जाते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते, और आखिरत तो इन्होंने आपकी बर्बाद कर दी है। तो जितना बड़ा इन्होंने जुर्म किया है ना, तो उसके खिलाफ फिर बला भी उतनी बड़ी आनी चाहिए। हाँ, ये बात है। जो नारा लगाए कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी, और मैंने जो वीडियो दिखाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।